गुड मॉर्निंग दोस्तों, 9 बज रहे। अभी यहीं पर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर हमने एक सांप पकड़ा जो टंकी के अंदर था, दोबारा टंकी के अंदर। और ये दोनों फोन कल रात में आए हुए थे। ज्योति मेरे साथ में है, और क्या नाम बेटा? अतर। और उनके घर के टंकी में सांप कब दिखाई दिया सर आपको? ये कल सुबह, मतलब इसमें टंकी में दिखाई दिया। हाँ। कब पड़ा था आपको पता नहीं? पता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखते कौन सा है। ये भी डुबरिया होने की संभावना काफी लग रही है, देखते। अच्छा है कि ये टक्की का दरवाजा थोड़ा थोड़ा बड़ी है, और ये रहा ये रहा ये रहा ढूरिया, ये ढूरिया, ये नाग है। हाँ नाग दादा है, ये नाग दादा है। नागी मतलब ये अननेचुरली बाहर से आके गिरा होगा। और ये सांप एस्टिक टंकी ज्योति के हाथ में कैमरा, और हम इसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बेटे जल्दी आ जाओ, और हमें काटो मत, हमें डराओ मत, हमें बाहर निकलना जरूरी है, और हम ही निकाल सकते हैं। देखो ढोलिया तो आ गया, लेकिन ये देखो कैसा कर रहा है, गुस्से और भाग रहा है। शायद इससे नहीं आएगा अभी वो। अगर हम बड़ी स्ट्रिप का इस्तेमाल करते तो शायद मुझे कवर नहीं होता था, इसलिए इस पाइप का इस्तेमाल करना पड़ा। गुस्सेला है, लेकिन थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ती है। इसको भी बाहर आना था, लेकिन उसको पता नहीं है बचाने वाले और मारने वाले कौन है, डरता रहता है, वही हम बताना भी लोगों को चाहते हैं। ये यहाँ से वो लेख है, वहाँ से वो इसमें अंदर आया होगा। स्टार्टिंग में गुस्सेला लग रहा था, लेकिन अंदर अंदर जा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी डरा हुआ था, और इस तरह से हरकतें करता रहता है। स्टिक को भी किस तरह से काटने की कोशिश की आपने देखा होगा। अच्छा था कि कैमरा भी, कैमरे के साथ कैमरा मन भी अच्छा होना चाहिए। तो ज्योति के हाथ में कैमरा है, ताकि इस सब कोशिश हम आपको दिखा सके। और वो नहीं जानते कि जिस स्टिक को ऊपर आना है उसको वो काट रहा था, मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको कुछ पता नहीं है। हाँ। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, और नेचुरली आपका हाथ पांव उसके ऊपर पड़ता है तो डर के कारण अपने जान को खतरा है, यही सोच के सब सांप काटते हैं। उससे ज़्यादा आपको मारने का उनका कोई मकसद नहीं है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये समझेंगे नहीं, तब तक डर दूर नहीं होने वाला। बहुत ही खूबसूरत सांप, अभी थैली में जान नहीं है। आप देखो कितना डर रहा है, डर लग रहा है सर, थैली में काट रहा था, आपको डर लग रहा है। तो ये डर है, ये जो बात होती है। और थैली तो मैंने पकड़ी हुई है, और इसको पता नहीं थैली इसको ये खतरनाक मान रहा है। ये समझ लीजिएगा, थैली में जान नहीं है, और थैली किसी के हाथ में है, और उसको यही हम स्टंट नहीं करना चाहते, लोगों को उकसा के कुछ बड़ा मनोरंजन ये नहीं है। आप समझिएगा, इस थैली को कवर कर रहा है, थैली में कहाँ जाना है, थैली को काटने से क्या होने वाला है। थैली तो मैंने पकड़ी, तो मुझे काटना चाहिए, तो समझना चाहिए। सांप इतना समझदार बुद्धिमान प्राणी नहीं है, ये उसका उदाहरण है, या ये से साबित होता है। और ये आपको समझना जरूरी है दोस्तों, इंसान होने के नाते जो आप समझाना हर बार चाहते हैं। वो तो अनिल जी नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं सांप पानी में काफी दिन आराम से रह सकता है। सांप पानी नहीं पिया तो भी महीना तक जीवित रह सकता है। आपको सुन के ताज्जुब हुआ कि कुछ महीने तक सांप कुछ खाए बगैर रह सकता है। 2 साल 9 महीना सांप ने कुछ भी नहीं खाया बगैर जिंदा रहने का रिकॉर्ड है। बल्कि हमारे देश में ही, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ की बात नज़दीक करूँगा, जिस बेलगाम से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अजगर 9 महीने कुछ खाए बगैर था, जिंदा था, मैं वो कहना चाहता हूँ। सांप की आंत में जो चर्बी फैट होता है उसका इस्तेमाल, जो कुछ खाता नहीं वो उसको इस्तेमाल करता है। सांप बहुत विचित्र प्राणी है, खाने लगा तो एक ही वक्त वो गले से निगलने तक इतना खा लेता है, मतलब एक चूहा खा के आराम करना ऐसा नहीं, जो है वो उनको खाने ही लगता है। और भूखा रहा तो काफ़ी दिन भूखा रह सकता है, ये सांपों की खासियत होती है। लेकिन पानी के अंदर ज़्यादा तैरते रहे तो थक सकता है, ये भी बात इतनी सच है, नहीं तो पानी में से कुछ नहीं होता। फिर भी मेरे ख्याल से 4-5 दिन तक ये अंदर गिरा होगा, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लगता है मुझे। मैं इसके ठीक सामने हूँ,
लेकिन कैमरामैन ज्योति जो है उसको कवर कर रहा है, उसको खतरनाक मान रहा है। अभी जिस थैली को खतरनाक मान रहा, थैली तो उसके सामने है, मतलब जो चीज हिलती है, जो चीज उसको खतरनाक लगती है, जान पर आती है, उसी से वो डरता है, तब तक उसका कुछ रिएक्ट नहीं होता। ये समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अभी इसको फिलहाल बंद करेंगे। ये सिलसिला जानकारी देने का, डर दूर करने का, इसी तरह से जारी रहेगा। अभी इसमें बंद होना है, तुम्हें आराम करना है दोस्त। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बाहर तो निकाला तुमको, जंगल में छोड़ेंगे। इसमें जाओ, आराम करो। हाँ, ये देख गया सिग्नल, वो भागने का सिग्नल होता है जो ठुस ठुस करके जाता है ना, वो भागने का सिग्नल होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, यही पर्व के लिए सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफर जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।